दोस्तों, सुबह सुबह का मौसम बहुत ही सुहावना होता है और कहते हैं कि सूरज के उगने से पहले आप जो है उठ जाइए तो जो सूरज की जो एनर्जी है वो आपको मिलेगी। और अगर सूरज उगने के बाद आप उठते हैं तो आपकी एनर्जी भी जो है सूरज ले लेता है। तो दोस्तों, काम में मज़ा तो आ रहा है और सुबह सुबह इतना ठंडा होता है। आज हमने सोचा कि पहले झाड़ पूरा काट ले जाए और इसके बाद जो है इसको फेंका जाए। तो अब हम करते हैं इसको फेंकने का काम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। तो दोस्तों, कल तो करवा चौथ हो चुका है और अब आने वाली है दीपावली। और आप सभी को हमारी ओर से और हमारे चैनल पहाड़ के रंग की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज हमारा अभी 2-3 दिन का प्रोग्राम और है। झिगड़े बांध तक जो रणजीत महिला हैं, इनके घर के पास तक पहुंचने में शायद लगेगा हमको। और फिर उसके बाद दीपावली वगैरह हो जाती है तो हो सकता है उस बीच में थोड़ा रेस्ट हो जाए। और अगर मौका लगेगा तो हमारे भूपेंद्र भाई अगर उस टाइम पर कुछ अगर करेंगे तो वो भी ब्लॉग बना सकते हैं उस वक्त, तो वो भी उसको कर सकते हैं। तो लेकिन देखेंगे जैसा होगा। तो दोस्तों, आज फिर से हमारे साथ में भूपेंद्र सिंह रौतेला भूपी और रणजीत महला जी, और हमारा लोगन भी हमारे साथ में रहता है। और मैं हूँ आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। हेलो सर। तो दोस्तों, आज के काम की शुरुआत यहां से है। और जो जो हम अपने मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं, तब तब ये लग रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा काम है। तो ऐसा होता है दोस्तों कि बीच बीच में आपको जो है निराशा भी कभी खींचती है, तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने एम पर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चीज़ें होती हैं जो आपको अपने कुछ चीज़ें आपको अपने राह से जो है भटकाती हैं, तो आपको इससे भटकना नहीं है, अपने काम पर बस फोकस करना है। आप कोई भी काम कर रहे हैं और ये मत सोचिए कि उसको आप उससे आप क्या अर्निंग कर रहे हैं या फिर आप सुकून के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो हमारी ये पहाड़ के रंग द्वारा जो तिपोला को एक साफ सुथरा सुंदर बनाने का हमारा जो एक चल रहा है आयोजन, हमारा एक इसको कहते कि अब वो तो मैं भी भूल गया हूँ, अब इनसे पूछने के चक्कर में, जो हमारा एक स्लोगन है, हमारा स्लोगन है कि एक कदम हम एक कदम आप बढ़ाएंगे, तिपोला को हम साफ एक मिसाल बनाएंगे। तो वही है। तो अब भूपेंद्र भाई भी हमारे साथ है, तो भूपेंद्र भाई से बात करते हैं कि जो इतने दिनों से हम लोग ये काम कर रहे हैं, इसके ओवरऑल इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और किस तरीके से आपको भी जो है जुड़ने का मौका मिला या आप जुड़े इसमें? सबसे पहले बीजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आपने ये स्वच्छता अभियान जो है एक मुहिम चला रखी है उससे जो है लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है। और क्या कहते हैं, हमारे आसपास जो गंदगी होती है जिनसे इससे बहुत सी बीमारियाँ होती हैं, उससे जो है हमारे स्वास्थ्य को काफ़ी हानि पहुंचती है। इसलिए जो आपने एक मुहिम चला रखी है ये बहुत अच्छी बात है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हर गांव में आप जैसा व्यक्ति हो तो गंदगी जो है गांव में
देखने को नहीं मिलेगी। हाँ। और मैं आपका और अपने ये मार्केट और टिपला गांव वालों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और क्या कहें फिर बीजी, और आपने जो हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है, हालांकि मैं तो कम से कम एक दो साल से मॉर्निंग वॉक पे सुबह निकल जाता हूँ, लेकिन जो एक आपने ये स्वच्छता का अभियान चलाया, मैं आपसे जुड़ा, हमें काफ़ी खुशी हुई है। और देख के भी अच्छा लगता है जब घूमने निकलते हैं तो, कि हमारे आसपास जो झाड़ियाँ थी उसको डर लगता था कि जो कहीं झाड़ी में बाघ ना आए, मतलब एक खतरे की जो घंटी रहती थी उससे जो है हम सुबह टहलने के लिए मतलब निकलते हैं, उससे बहुत अच्छा लगता है। और क्या कहें आप बताएं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि कल रात को भी जब मैं निकल रहा था बाहर से अपने घर का, तो रात को निकलते तो अंधेरा रहता है, लेकिन और टाइम पर क्या था झाड़ियाँ होती थी तो बड़ा डर जैसा लगता था, लेकिन कल मैंने देखा जब खुला था, लग रहा था ऐसा शाम को भी जो आप आराम से जो है दिन की तरह घूम सकते हैं, इस तरीके का लग रहा था हमारे उधर साइड को, तो लग ही रहा है। बाकी टिपोला पूरा मार्केट में भी इस तरह का आने वाले वक्त में लगेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। हम जो है हमने विधायक जी से बात कर रखी है जी, हम चाहते हैं कि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, मतलब 50 मीटर 100 मीटर के दायरे में हमारे एक एक लाइट लग जाती है जी जी, तो बात करके बहुत अच्छा हो जाएगा फिर। हाँ तो क्या रात को जो है निकलने में ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं आएगी। हाँ रात पर क्योंकि होता कहीं कहीं पर जो है बहुत ज़्यादा घना अंधेरा होता है तो वहाँ पर डर लगता है, लेकिन ये हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दिन में हमें ऐसी सफाई दिखाई देगी और रात को हमको खुद को अगर बाहर वालों को नहीं भी होगा तो हम भी जब बाहर झांकेंगे तो लाइट वगैरह दिखेंगे तो अच्छा ही लगेगा जी। तो दोस्तों भूपेंद्र सिंह रौतेला भूपी है, और अब आने वाले टाइम पर धीरे धीरे ये भी इसमें हमारे पहाड़ के रंग में ब्लॉगिंग करेंगे, कभी हमको इधर टाइम नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। और हमारे रणजीत सिंह महला जी हैं, तो ये भी रोज़ सुबह सुबह आ जा रहे हैं, तो सब इन्जॉय कर रहे हैं। दोस्तों होता है कि अगर आप साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो एक एनर्जी आपको मिलती है और नई नई चीज़ें भी आपको जानने को मिलती है, सीखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने इलाके में सफाई का अभियान इस तरीके से चलाइए, और आप लोग भी एक मस्त खुशहाल और सुकून वाली ज़िंदगी आप जिए। तो दोस्तों सुबह सुबह काम शुरू हो गया है थोड़ा मैंने किया, तो और भूपेंद्र सिंह रौतेला भूपी और रणजीत महला अपने काम पर लग गए हैं सुबह सुबह, और कल तो वैसे भी व्यस्त रहेंगे, रात को चंद्रमा भी देर में निकला, लेकिन इसके बावजूद जो है बड़ी जल्दी उठ करके और घूम करके भी आ गए हैं। तो अब मैं आगे करूँगा आपको टाइम लैप्स में दिखाऊँगा आगे। तो दोस्तों कोई भी काम आसान नहीं होता है, उसमें थोड़ा मेहनत तो लगती है, लेकिन ये मेरा दाढ़ी और क्योंकि आदमी सोचता है कि भाई आसानी से काम हो जाए, लेकिन फिर आसानी से काम का वो जो है फल नहीं मिलेगा, क्योंकि जब कष्ट उठा करके आप कोई काम करते हो उसके बाद जो सफलता होती है उसका एक अलग ही आनंद होता है दोस्तों। हमें चरोड़ चारोड़ दे रहा दोस्तों, इतना चरोड़ी चारोड़ी हो गई है ये पूरे हाथ हाथ सारे चरोड़ी गए हैं।
तो दोस्तों हमने तो काम जो है उधर ही आज समाप्त करने की घोषणा कर दी थी, लेकिन ये भुट्टू भाई ने हमको फिर फंसा दिया। ये जो है फिर इधर ये फिर सफाई में लग गए इधर को। तो दोस्तों यही हो रहा है जब आप काम करते हैं दिल से, जब तो फिर यही होता है, फिर सोचते हैं कि थोड़ा और कर लें, थोड़ा और कर लें करके होता है। तो भैया ये जो है इधर को करो पूरा, और तो दोस्तों काम में मज़ा तो आ रहा है, और सुबह सुबह इतना ठंडा होता है, और काम जब हमारा पूरा होता है तो उसके बाद पसीना पसीना, अब जैकेट उतारने का भी नहीं है इस वक्त, तब कहाँ उतारेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं कल शाम को 7:30 बजे अपने डेली ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें।